गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी इन एलएफसीएस। आपका जो FA2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आपके दो चैप्टर आएंगे। एक तो आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा और दूसरा चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करते हैं। ये आपका सेकेंड चैप्टर है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आपके बोर्ड से पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, तो वो चैप्टर हमको छोड़ देना है, वो चैप्टर हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है रिप्रोडक्शन की। इसकी बात आती है रिप्रोडक्शन की, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो कहता है इट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी, अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, अपनी संतानें प्रोड्यूस करते हैं, इट्स प्रोजेनी दैट आर सिमिलर, कैसे हूं, सिमिलर टू इट्सेल्फ, जो कि उनके जैसे हों, जो कि उनके जैसे होने चाहिए। अगर हमसे पूछा जाए रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो कहोगे यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने जैसे ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। इट इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी दैट आर सिमिलर टू इट्सेल्फ। अच्छा, ये तो डेफिनेशन हो गई। अगर हमसे पूछे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वे ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है, तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये हमारे पास सेकेंड टॉपिक है। तो कहते हैं रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरीके का होता है। एक रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, ठीक है, और दूसरा रिप्रोडक्शन हमारे पास आता हुआ है क्या है, सेक्सुअल। बोर्ड में इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते क्या हैं और इनमें बेसिक डिफरेंस होता क्या है, तो जरा सुनिएगा। अगर हम डिफिनेशन बोलें, कहता है कि ए फुली ग्रो पेरेंटल बॉडी, एक पूरी तरीके से डेवलप हुई पेरेंटल बॉडी जब अपने आप को डिवाइड करके दो या दो से ज्यादा नए प्रजनन प्रोड्यूस करती, एक ही पेरेंटल बॉडी चाहिए, क्या बोला, व्हेन ए फुली ग्रोन पेरेंटल बॉडी डिवाइड टू प्रोड्यूस, डिवाइड टू प्रोड्यूस टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू डॉटर सेल, and each daughter cell develop into and each daughter cell develop into parental body, हर एक daughter cell एक parental body में develop हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है कि जब एक पूरी तरीके से डेवलप बॉडी, जब पूरी तरीके से एक डेवलप बॉडी अपने आप को डिवाइड करके, अपने आप को क्या करे, अपने आप को डिवाइड करके अपने जैसे प्रोजेनी प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलोगे आप, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलोगे, क्लियर। अच्छा, जरा दूसरा देखिए, हमसे सेक्सुअल की बात करता है, तो कहता है
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंटल बॉडी। Produce gamete, दो parental body क्या produce करें, gamete, and these gamete after fusion form zygote, after fusion क्या form करें, जायगोट, एंड डेवलप्ड इंटू इम्ब्रियो, और एक इम्ब्रियो में एक प्रोजेनी में डेवलप हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर डेफिनेशन में हमसे डिफरेंस पूछा जाए, दोनों के डेफिनेशन में अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाए तो दोनों के डेफिनेशन में हम ये डिफरेंस बताते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। अब आइए, ये तो डेफिनेशन की डिफरेंस हो गई। अब अगर पॉइंट वाइज अगर इसमें डिफरेंस देखा जाए, हम इधर बात करें एसेक्सुअल की और इधर बात करें किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखो, एसेक्सुअल में हमने कहीं पर दो पेरेंट की बात नहीं की है ना, ए फुली ग्रो पेरेंटल बॉडी। तो यहां पर क्या कहता है, ये कैसा होता है, ये यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल जो होता है ये आपके, मैंने वहां पर देखिए क्या लिखा है, दो पेरेंट है और दोनों गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, तो कैसा हो गया, बाईपेरेंटल। बाईपेरेंटल का मतलब मेल और फीमेल दोनों सेक्स इन्वॉल्व होने चाहिए। दूसरा, यहां पर बी वाले में क्या कहता है, अगर एसेक्सुअल में हम कहें तो कहता है वनली, केवल और केवल वनली माइटोसिस डिवीजन आर, माइटोसिस डिवीजन आर अगस, केवल और केवल माइटोसिस डिवीजन होता है एसेक्सुअल में। और अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो यहां पर सेल का माइटोसिस डिवीजन भी होता है और मियोसिस भी होता है। गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन होता है और बॉडी फॉर्मेशन के लिए माइटोसिस डिवीजन होता है। थर्ड अगर हम बात करें तो कहता है माइटोसिस होता है, माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है जहां पर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। इस बात कहता है नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं आता, नो वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, अगर रीजन पूछा जाए, नो वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है, कोई चेंज क्यों नहीं होता, तो कहोगे उसके लिए जिम्मेदार क्या है, माइटोसिस डिवीजन। यहां पर केवल माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, इस वजह से यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं आए। और यहां पर कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। तो कहा जाता है कि यहां पर वेरिएशन आर अकर्स, यहां पर वेरिएशन जो होता है वो पेरेंट से प्रोजेनी में होता है। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसमें है, तो बोलोगे लोअर एनिमल्स एंड लोअर प्लांट, ठीक है। यहां पर पूछे एसेक्सुअल, एसेक्सुअल किसमें होता है, हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट। हायर एनिमल एंड हायर प्लांट में क्या होता है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नोट कर डालिए, एसेक्सुअल में देखिए मैंने फिर से क्या बोला है, एसेक्सुअल आपका यूनिपेरेंटल होता है, सेक्सुअल आपका बाईपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बाईपेरेंटल का मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल में केवल और केवल माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में होते हैं वही प्रोजेनी में होते हैं। जबकि मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है, पेरेंट से प्रोजेनी में क्रोमोसोम नंबर या जो भी सेल बनते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। यहां पर कहता है कोई वेरिएशन नहीं आता, वेरिएशन क्यों नहीं आता,
क्योंकि ना तो क्रॉसिंग ओवर होता है और ना ही क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी होता है और क्रोमोसोम नंबर भी चेंज होता है, इस वजह से यहाँ पर वेरिएशन आता है। पूछा जाए किस में होता है तो लोअर एनिमल लोअर प्लांट, इसमें पूछा किस में होता है तो हायर एनिमल हायर प्लांट। नोट कर डालिए इसको। अब अगला हम बात करेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कितने तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें पहला जो आपका डिवीजन आता है या पहला जो टाइप आता है एसेक्सुअल में, वो आता है फिजन। क्या आता है? फिजन कहता है व्हेन ए पेरेंटल, जब एक पेरेंट, व्हेन ए पेरेंटल बॉडी आर डिवाइड, पेरेंटल बॉडी क्या हो, डिवाइड हो एंड प्रोड्यूस टू आर मोर डॉटर सेल, तब उसको क्या बोलोगे, तब हम उसको बोलते हैं फिजन। अब यहीं पर हमसे पूछे गया है टाइप ऑफ फिजन, कितने तरीके के फिजन होते हैं, फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब हमारे पास एक सेल है और वो डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाए वही फिजन होता है, या दो से ज्यादा सेल में कन्वर्ट हो जाए। अब हमारे पास दो तरीके का फिजन होता है, एक आता है आपका बाइनरी फिजन। आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा बाइनरी नंबर 0 और 1, तो दो नंबर होते हैं, बाई का मतलब क्या होता है, दो। और दूसरा आपका आता है मल्टीपल, मल्टीपल फिजन। क्या आता है? मल्टीपल फिजन। पहला आपका आ गया बाइनरी फिजन, सेकंड क्या आ गया आपका मल्टीपल फिजन। देखिए सबसे पहले हम बाइनरी फिजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बाइनरी फिजन की। डिफिनीशन अगर पूछे तो कहा जाए व्हेन ए पेरेंटल, व्हेन ए पेरेंटल बॉडी आर डिवाइड टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल। हमारे पास ये एक पेरेंटल बॉडी है और ये पेरेंटल बॉडी जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाए, दो डॉटर सेल बनाए, तो इस डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, तो मैंने पेरेंटल बॉडी डिवाइड एंड फॉर्म टू डॉटर सेल। यहां पर डॉटर सेल कितने हैं, टू डॉटर सेल। तो अगर दो डॉटर सेल बने तो उसको क्या बोलोगे, बाइनरी फिजन। दूसरा आपके पास था मल्टीपल फिजन, डेफिनेशन पूछे तो कहा जाएगा व्हेन पेरेंटल बॉडी डिवाइड, हमसे क्या कहा जाएगा, हमसे कहा जाएगा कि हमारे पास जो पेरेंटल बॉडी है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पेरेंटल बॉडी है वो पेरेंटल बॉडी डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद क्या करे, व्हेन पेरेंटल बॉडी डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर देन टू डॉटर सेल, दो से ज्यादा हो, मोर देन टू डॉटर सेल, तब उसको आप क्या बोलोगे, तब हम उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अगर अगर दो डॉटर सेल बनते हैं तो बाइनरी फिजन, और दो से ज्यादा डॉटर सेल बनते हैं तो उसको क्या बोलोगे, उसको हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं, उसको क्या बोलोगे, मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है, ठीक, पैरामीसियम में होता है, ठीक। मल्टीपल फिजन पूछे तो मल्टीपल फिजन आपका होता है प्रोटोजोअन्स में, साथ भी
पैरामेसियम में भी होता है, ठीक है। ये इसके आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है आपसे, नोट कर डालिए, नोट करिए इसको। सेकेंड जो टाइप हमारे पास आता है, सेकेंड टाइप हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड टाइप को आप क्या बोलोगे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी का छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना। व्हेन पैरेंटल बॉडी आर डिवाइड टू आर मोर देन टू फ्रैगमेंट ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू डेथ और डिके ऑफ पेरेंटल बॉडी। आपके पास जो पेरेंट की बॉडी है, उस पेरेंट की बॉडी की डेथ हो जाए और डेथ होने के बाद उस पेरेंट की बॉडी दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाए, या पेरेंट की बॉडी डेथ होने के बाद उसका डिकम्पोजिशन होने लगे और डिकम्पोजिशन के समय पेरेंटल बॉडी डिवाइड करके दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाए, तो इस केस में जो फ्रेगमेंट होते हैं उन फ्रेगमेंट के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये फ्रेगमेंट डिवाइड होकर के या सेपरेट होकर के पेरेंटल बॉडी से एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक नई बॉडी यहां पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल आप क्या बताओगे? स्पायरोगायरा। ये एक एल्गी होती है जिसमें ये प्रोसेस होता है, नोट कर डालिए। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, रीजनरेशन। रीजनरेशन कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ होल बॉडी, पूरी की बॉडी फॉर्म हो जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ होल बॉडी फ्रॉम ए पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ पेरेंटल बॉडी, पार्ट ऑफ पेरेंटल बॉडी। पेरेंट की जो बॉडी है उसके किसी एक पार्ट से रीजनरेट होकर के पूरी की पूरी बॉडी बना ली जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? हाइड्रा। बहुत सिंपल सा है कि पेरेंट बॉडी का कोई एक टिश्यू, कोई सेल पेरेंट बॉडी से अलग हो जाए और अलग होने के बाद वो सेल अपने आप को डिवाइड करके रीजनरेट करके एक नई पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म कर ले, तो उसको क्या बोलोगे आप? रीजनरेशन बोलोगे। उसको क्या बोलोगे? रीजनरेशन बोलोगे। नोट कर डालिए। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है या हमारे पास जो नया रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है आपका बडिंग। और हमसे पूछा जाता है कि बडिंग में क्या होता है? नेक्स्ट क्या है आपका?
अच्छा, इसी में बडिंग जानने से पहले हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं बड, या पहले बडिंग देखते हैं फिर उसी में देखेंगे अभी बड क्या होता है, प्रोसेस क्या है बडिंग, और बडिंग में एक टर्म आता है क्या, बड। जैसे पहले प्रोसेस को समझ लीजिए, हमसे कहता है हमारे पास ये एक सेल है, ये एक सेल है, और आपको पता होगा ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है इसका, साइटोप्लाज्म। एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं इसको, कहता है इस सेल में एक साइड में ऐसे एक आउटग्रोथ निकल जाए, और ये आउटग्रोथ किसकी हो, ये आउटग्रोथ हो इसके साइटोप्लाज्म में, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक साइड में क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। अभी भी इसका न्यूक्लियस पेरेंटल बॉडी के पास है, जो बड़ा वाला सेल है उसी के पास है, क्या है, न्यूक्लियस। लेकिन इसके न्यूक्लियस में भी क्या होने लगे, इसके न्यूक्लियस में भी डिवीजन होने लगे, ये भी अब दो पार्ट में क्या होने लगे, डिवाइड होने लगे, और डिवाइड होने के बाद ये यहां से मूव करके कहां चले जाए, इस आउटग्रोथ में। ये जो आपका उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आउटग्रोथ, बाहर की तरफ एक उभार निकला हुआ, और इसी आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। कहता है जब यहां पर न्यूक्लियस आपका यहां से डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इस पेरेंटल बॉडी से जो ये आपकी आउटग्रोथ निकली हुई है, ये आउटग्रोथ और बड़ी होगी, और जो आपका न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस यहाँ पर चला जाएगा, पेरेंटल बॉडी का न्यूक्लियस यहीं पर रहेगा, और एक टाइम के बाद ये पेरेंटल बॉडी से सेपरेट होकर के जो आपका बड है ये एक नई बॉडी में डेवलप हो जाएगा। ये क्या है आपका, पेरेंटल बॉडी, ये आपका पेरेंटल बॉडी है, और दूसरा क्या है आपका, बड है। तो बड क्या होगा, एक नई बॉडी में डेवलप हो जाएगा, पेरेंटल बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बड, तो कहता है अगर हमसे पूछा जाए बडिंग की डेफिनेशन क्या होती है, तो कहता है इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच या हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, जिसमें जिसमें यूनिसेलुलर, इन विच यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आउट ग्रोथ आर अकर्स, जिसमें यूनिसेलर और मल्टीसेलर आउटग्रोथ होते अकर्स होता है कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बड। ये पहला पॉइंट था। दूसरा उसी में आफ्टर ग्रोविंग बड आर सेपरेट फ्रॉम पेरेंटल बॉडी डेवलप इन टू ए पेरेंटल आफ्टर ग्रोविंग बड आर सेपरेट फ्रॉम, भाई जब ये ग्रो कर जाएगा तो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एंड डेवलप इनटू न्यू बॉडी, एक नई बॉडी में डेवलप हो जाए। अगर बात करें बडिंग की, तो कहता है बडिंग आर टू टाइप। ये आपका जो बड निकलता है ना, ये आपका जो बड निकलता है, अगर ये बॉडी से बाहर की तरफ निकले तो इसको एक्सटर्नल बडिंग बोलते हैं, एक्सटर्नल बडिंग।
एक्सटर्नल बॉडी में क्या होगा, आउटग्रोथ, आउटसाइड ऑफ बॉडी। आउटग्रोथ कहां होगा, बॉडी के बाहर की तरफ होगा। किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में कौन सी बडिंग होती है, एक्सटर्नल बडिंग होती है, ठीक है। और दूसरा अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, इंटरनल बडिंग। और ये जो आपका इंटरनल बडिंग होता है ये कहां होगा, आउट ग्रोथ, या हम बोलोगे बड आर फॉर्म, बड आर फॉर्म इनर साइड, इनर साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर की तरफ फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल पूछे स्पंजेस, जो आपके स्पंज होते हैं उन स्पंज में जो बडिंग होती है वो बडिंग कौन सी होती है, इंटरनल बडिंग होती है। कौन सी होती है, इंटरनल बडिंग होती है। तो नोट कर डालिए, आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। ये इतना टॉपिक तैयार कर डालिएगा, इसके आगे का जो टॉपिक है वो आपका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये पूरा चैप्टर हमको कंप्लीट करना है और ये पूरा चैप्टर आपका आपके FA2 एग्ज़ाम में आएगा। थैंक यू।